वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारी चांद रात और आज है दुबई में ईद। मतलब मेरी बहन वहाँ पे ईद बना रही होगी, मतलब बना रही है माशाल्लाह बहुत अच्छे से। और आज सुबह हमने उसको भी ईद मुबारक विश किए और उसकी फर्स्ट ईद होगी पूरी लाइफ की हमारे बिना। और मम्मी थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे सुबह में कि उस मम्मी को दीदी की याद आ रही थी। और दीदी वहाँ पे अच्छे से बिरयानी बना रही है उसके फ्रेंड्स के साथ, इंजॉय कर रही है माशाल्लाह। और आज है हमारी चांद रात और हम लोग जा रहे हैं नीचे शॉपिंग करने के लिए। बट मेरा एक ड्रेस बाकी रह गया, वो है बासित का। और बहुत ढूंढने के बाद एक ड्रेस मिला था सबसे पहले। आज करके पूरा महीना इसने सताइए। और अभी जाके नीचे मेरा बासित का ड्रेस लेते हैं। अभी मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने पहनी हूँ नाइट ड्रेस। और नाइट ड्रेस पहन के अभी हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे जाके अभी जो है अच्छा सा देखते हैं ड्रेस मेरे बासित के लिए। और अर्शिया भी आज बहुत कल से क्यूट लग रही है। हाँ, और अर्शिया ये लोग ने मेहंदी भी लगा ली है, बट मेरा मेहंदी लगाना बाकी है। पर हमारी इतनी सही नहीं लगी है। इतनी सही नहीं लगी, कोन जो है ना वो इतना खास नहीं था। आज हम दूसरी जगह से कोन लेंगे जहाँ पे से हम लोग हमेशा लेते हैं। फिर मैं लगाऊंगी मेहंदी आज रात को। और मम्मी की तो फुल तैयारी चालू ही है, आप लोगों को इस ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और चलो अभी जाते हैं नीचे और एक जो ड्रेस बाकी है वो लेकर आते हैं। और रमज़ान भी मतलब ख़त्म हो गया ऐसे, मतलब इतना जल्दी रमज़ान का महीना निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। बस अब जाते हैं नीचे और जाके आते हैं। और कल ईद है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और मैं सोचती हूँ बैंगल्स भी ले लूँ। बस कर जा, शलवार कमीज पहन ले तो ही बड़ी बात है। ये ज़्यादा हो गया, अभी मैं नीचे आती हूँ फिर आप लोगों से। गाइस लुक एट माय हैप्पी फेस। और मुझे ड्रेस मिल गया अपना बासित का। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, इतना ही जगह हम गए, मुझे कई ड्रेस पसंद नहीं आया और कई बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा था। तो हमें एंड में ऑप्शन में हमने रखे थे। हाँ, ड्रेस तो अभी नहीं दिखाऊंगी ना। ये बासित का ड्रेस हम लोग कैरॉन चले गए थे लेने के लिए और वहाँ पे इतना ब्यूटीफुल ड्रेस मिला। मैं पहनकर भी देखी, उसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट था, जैसे कि मैं हैवी कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। वो मटेरियल भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, कलर बहुत अच्छा था सब। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और अभी बस जो पेंडिंग है मेहंदी लगाना वो, और बैंगल्स लेना है कल के ड्रेस के ऊपर और वो सब। हाँ, क्या हो गया इसके साथ। हमने तो आज सुबह ही कपड़े दे दिए थे ना मम्मी इस्त्री करवाने, तो हमारे तो आयरन भी हो गए हैं, ड्रेस आ भी गया है। बस अभी अर्शिया का बातचीत कर ली है, ऑल्ट्रेशन के लिए देना पड़ा क्योंकि थोड़ा लूज हो रहा था उसको शोल्डर से, तो उसके लिए वो करने दे दिए है। वो आ जाएगा एक दिन बाद फ्राइडे को, तो वो बासित को पहन देगी। मेरा तो बासित का भी है, ईद का भी आ गया और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी मेरा ड्रेस तो मैंने पहन कर भी देखी, मैं इतनी मस्त लग रही थी ना ये ड्रेस में। अभी जाते हैं और अच्छी जगह से मेहंदी का कोन लाते हैं। कल तो पता नहीं कैसा मैंने मेहंदी का कोन सबसे लास्ट में ही लगाने बैठी और उसके बाद मम्मी लोग ने देख कर लगाया, फिर उसके बाद बोले कि ये कोन तो बिल्कुल अच्छा नहीं और इतना खास कलर आया भी नहीं, और मैं बच गई। अब मैं अच्छी जगह से लेकर आऊँगी खुद के लिए, फिर वापस लगाऊंगी तो अर्शिया पीछे भी लगा लेगी। तो ये ब्लॉग सहरी तक रहने वाला है, उसके बाद ईद का ब्लॉग अलग बनाएंगे जिसमें ड्रेसेस और सब बताएंगे और सेलिब्रेशन बताएंगे, कहीं जाएंगे तो वो बताएंगे। उसका ईद का ब्लॉग अलग होगा, ये ब्लॉग जो है वो अभी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं मटन पुलाव। तो फ्रेंड्स, रात को फिर घर आने के बाद बैंगल्स वगैरह लेने के बाद मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि इससे पहले भी ऑलरेडी हम लोग इतनी बार नीचे उतरे थे एक बार, मतलब फिर भी बहुत चल चल के मतलब थक गए थे। उसके बाद रात को थोड़ा रेस्ट किए और उसके बाद मम्मी लग गए थे मेहंदी लगाने, और मैंने तो निकाल भी दी हूँ मेहंदी और ये मेरा नाम लिखे इस पर और ये वाले हाथ लगे, मतलब अभी जस्ट निकाली हूँ 10-15 मिनट पहले, क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी थी तो वजू करने से पहले मैंने निकाल दी। और अभी घर क्लीनिंग हो रहा है हमारा और हम लोग सब मिलके
ये भी ज्यादा हेल्प कर रही है। हम सब मिलके घर साफ कर रहे हैं और चांद रात का ब्लॉग यही एंड होता है। और जो ब्लॉग दुबई से मेरी बहन ने बना के भेजी है, उसकी वहाँ की ईद की तैयारियाँ, उसने जो भी वहाँ सेलिब्रेशन की है, वो सब मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो में ही डालूंगी। और अभी मैं मेरा ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय रील्स चैनल। तो आज है संडे और अनफॉर्चुनेटली संडे के दिन भी मुझे रेस्ट नहीं मिला बिकॉज आज मेरा सैलून का अपॉइंटमेंट है। तो मैं तो सो गई थी, मैं कल रात को 4:30 बजे घर आई और उसके बाद आई वेंट टू स्लीप। और मेरा 11 बजे का अपॉइंटमेंट था पर मैं सो रही थी तो वो लेडी का मुझे कॉल आया एंड देन आई वोक अप 1:30 हो रहे हैं जोहर की नमाज पढ़ के। बस अभी मैं जा रही हूँ, फिर मैं आपको सैलून बताती हूँ, स्टाफ बताती हूँ, प्लस आप लोगों को जो मैं करवाने जा रही हूँ हेयर ट्रीटमेंट वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है भाई, जल्दी आ जाओ। चलो आ गई। कल जैसे बालों में ऐसी आ गई हूँ मैं। देखो आफ्टरनून में भी कितनी शांति है यहाँ पे, बिकॉज रमज़ान है एंड सब अपने अपने घर में रेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सब रेस्टोरेंट्स और सब कुछ ऑलमोस्ट बंद होता है इस वक्त, ज़्यादा लोग भी नहीं होते। ये मेरा ऑफिस है पहुँच गई हूँ सैलून फाइनली। ये देखिए मैं आपको बताऊँगी, निशार जो स्टूडियो है और ये रहा सैलून जहाँ मैं जाती हूँ ऑलवेज। अच्छे से कॉर्निश पे तारी तो हो गई, देन आफ्टर दैट सब वाइंड अप करके हम लोग जल्दी जल्दी घर पे आए क्योंकि आज तो चांद नहीं हुआ, 30 रोज़े पूरे हैं तो कल भी हमारा रोज़ा है। और फिर मेरी लेंसेज लेनी थी तो मैं लेंसेज लेने गई थी, एक लेंस के लिए इतनी बड़ी बैग है, प्यारी सी बैग है। और फिर अभी मैं वैक्सीन करूँगी, देन महीना अप्लाई करूँगी, देन आज का मेरा आउटफिट थोड़ा सा ट्रेडिशनल अच्छा है। हे गाइस, तो कल का ब्लॉग जो है कंटिन्यू हो रहा है, तो कल मेरी लेंसेज आ गई बट आज मेरा पर्स लेना रह गया था तो अभी मैं आई हूँ। और कल से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और ये मेरी फर्स्ट ईद है अकेले, तो थोड़ा मुझे अपसेट हुई थोड़ी सी फैमिली के बगैर, बट इट्स ओके, लाइफ है, थोड़ा रहना पड़ता है ऐसे। तो अभी मैं जा रही हूँ पर्स लेने के लिए, फिर रात को मैं हिना अप्लाई करूँगी, उसका भी वीडियो में शूट करके डालूँ। ठीक, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये है मेरा ऐसा आउटफिट ब्लू कलर, और मैं पूरा आपको बताऊंगी। अभी मैं मेरी फ्रेंड के घर जा रही हूँ दावत में, मिलती हूँ आप लोगों से।